अभी अभी जिन्होंने मेरा मेरा अभी इलाज किया उनका उनका नाम क्या? डॉक्टर ओनिर्दत्त। ओनिर्दत्त, ये वही रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है जो कोलकाता में बेस्ड है? जी हाँ, ये अभी 15 दिन पहले लंदन से वापस लौटे। वो इस वक्त कहाँ होंगे? अंदर अपने कैबिन वगैरह में रहते हैं कहीं पर? मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी नहीं, ये काली घाट में माँ दुर्गा की पूजा करनी, आज ही षष्ठी है ना। तो ओबी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। ना मैं पूर्वी के बारे में सोचता, ना ओबी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता, ना वो इनसिक्योर फील करती और ना ये सब कुछ होता। आज के बाद मैं पूर्वी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगी कोशिश तो यही करता। फिर भी पता नहीं कि उसका ख्याल मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। देर कर दी आने में, सीनिक से तो बहुत पहले आ गए थे ना तुम? हाँ बाबा, काफी देर पहले आ चुका था, लेकिन घर जाकर कपड़े भी तो बदलने थे, और चूंकि तुम घर पर नहीं थी, मुझे घर पर एक भी चीज जगह पर नहीं मिल रही थी। इतना डिपेंडेंट हो गया ना तुम पर, हमारे बगैर मेरा कोई काम नहीं चलता। ट्रस्ट मी, लास्ट मोमेंट पर अगर वो पेशेंट नहीं आ गया होता ना, अगर वो नहीं आया होता तो मैं तुम्हारे साथ ना आने का रिस्क तो कभी नहीं लेता। आरती कर ले। बोलो बोलो जय मां दुर्गा, बोलो बोलो जय मां दुर्गा, बोलो
स्टेशन से मिलना चाहूंगी। जो अभी थोड़ी देर पहले तुमसे मिला है और तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब उसे मिलना तो मुश्किल है क्योंकि मेरे ख्याल से वो तो बॉम्बे निकल चुका है। उस हालत में? हाँ, उसकी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे। बेहोशी की हालत में भी यही कहा जा रहा था कि उसे अपनी बीवी से मिलना है, मुंबई जाना है। इनफैक्ट जब उसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे ख्याल से वो इसी स्ट्रेस में। खैर, उसकी जो भी प्रॉब्लम है आई जस्ट होप कि मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। और तुम्हें पता है आज मुझे एक और बात पता चली है। क्या? वो ये कि इस दुनिया में मेरे अलावा और भी ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी पत्नी की इतनी चिंता करते हैं। नीला, नीला, एक आदमी आपको बेसब्री से ढूंढ रहा है। अच्छा? और उसकी पत्नी की कुछ तकलीफ है, इसके लिए वो आपसे मिलना चाहता है। कहाँ है वो? उधर है। कहाँ है वो? उधर है। मदद करो, हमारा पत्नी को बहुत तबीयत खराब है, चल कर उसे देखो ना। अच्छा, बिल्कुल चिंता मत करिए, सौमित्र बाबू को कुछ नहीं होगा। चलिए आइए। मैं भी चलती हूँ। आओ। अरे काली बाबू, अब एक इमरजेंसी केस आया है, मैं बस निपटा कर आता हूँ। अच्छा, अब सुबोधा एक काम करते हैं, मेरी जो गाड़ी काफी दूर पार्क है। हाँ। अगर हम लोग चलते चलते जाएंगे तो काफी देर हो जाएगी, तो अगर आप ट्रैम से चल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छा है, ट्रंक स्टेशन हमारे घर के नजदीक है, नीचे है। चलो, अच्छा है, खूब भालो। चलो सब तुम्हारी ही रचना है माँ, मुझे यकीन है आज तुम मुझे यहां तक लेकर आई हो तो डॉक्टर ऑनर से भी तुम ही मिलवाओगी। मैं अपनी तरफ से हार नहीं मानने वाला। कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना, 3 दिन इसके लिए प्रैक्टिस की है मैंने, पता नहीं हमारा डांस कैसा होगा। सनी, हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, देखो ना सब लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। हाँ, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। वैसे सनी, थैंक्स अ लॉट। अब ये थैंक्स किसके लिए? हाँ, मुझे यहाँ पे लाने के लिए और मेरे साथ इस गर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए इस कॉम्पिटिशन में।
तुम्हें पता है कनाडा में ना ऐसे गरबे और ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते थे, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज होती है ना, वो ऑर्गेनाइज करती रहती थी। मेरी आजी है ना, वो मुझे लेके जाती थी वहाँ पे। तुम अपनी आजी का नाम मतलब प्लीज। क्यों, अगर वो यहाँ गई तो? आज तक तो उन्हें ये लगता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, अब अगर उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो ये चोरी छुपे मिलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज ही यहाँ पे क्यों आएंगी? इनफैक्ट आज ही यहाँ पे आ ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं उनसे कह के आई हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारी आज ही ना सही, मेरे घर से तो यहाँ कोई भी आ सकता है। इससे पहले तुम्हारे घर से कोई आए, एक राउंड कर ले गरबा का। ठीक है, चल चल। तेजू जब बोल रही थी ना, तभी मैंने चुपके से सुना कि वो गरबा खेलने जाने वाली है। अरे यहाँ दिखती भी नहीं है, कहाँ देखे, वहाँ देखेंगे। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगी, मजा। अटेंशन अटेंशन, अब मैं आज रात के बेस्ट जोड़ी विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। एनी गेसेस? एंड द विनर्स आर मिस तेजू एंड सनी। प्लीज आप स्टेज पर आइए, कम ऑन द स्टेज। देखा, मेरी तेजू ने मेरा नाम रोशन कर दिया, सविता देशमुख का नाम। मुझे मालूम ही था, आई होशियार ना। ऐसा साथी जब साथ में होगा तो प्राइज जरूर मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तेजू जैसी लड़की अगर उसकी पार्टनर होगी तो अवार्ड तो मिलना ही था। अरे इन दोनों की जोड़ी तो अवार्ड के काबिल है, जीव तो रे। आजी, तेजू पकड़े गए। आजी यहाँ पे आ गई है। मेरी मौसी, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे देख लिया और हमारी आइडेंटिटी पता चल गई तो हमारी बैंड बच जाएगी। अब क्या करें? निकलना पड़े अभी। अगर तेजू और सनी की फैमिली यहाँ मौजूद है तो मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। तो बाल बाल बच गए। हमारी अच्छी और मेरी मासी सामने मत जाते तो गॉड। सच में तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है, ये पकड़ो। हेलो, हाय, क्या कहा
कहाँ हैं आप डॉक्टर रॉनर? आपका मुझसे मिलना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम में होता हूं तो मेरे सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम आओगी और मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन मुझे बताओगी। लेकिन अब और नहीं पूर्वी, अब कहीं ना कहीं मुझे अपने इस वहम पर काबू पाना होगा। लेट आने वाले आश्वस्ती है ना, वो मंदिर जाएंगे, फिर वहां पूजा करेंगे और अपने दोस्तों के यहाँ जाएंगे, फिर क्लिनिक आएंगे। देखिए आप क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं प्लीज? जी नहीं, आज वो बहुत बिजी होंगे, त्योहारों के दिन ही तो उनको अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है। देखिए मुझे उनके नंबर की सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। इट्स इंपॉर्टेंट। मेरा फोन डेड हो गया, मैं लैंडलाइन यूज कर सकता हूँ प्लीज? किसी से बात नहीं करेंगे कि मैं डॉक्टर साहब के लिए वेट कर। मैं सर के लिए वेट कर लेता। सॉरी, गलती मेरी है। अगर मैं वो भी कुछ तरह से छोड़ के मुंबई से बाहर ना जाता तो शायद ये नहीं होता। नहीं सर, आप प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। आप हम आंटी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाँ अर्जुन बोलो। आंटी मुझे डॉक्टर रॉनर का पता चल गया। डॉक्टर रॉनर का पता मिल गया? मैं उनके क्लिनिक में हूँ। एक्चुअली उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, बट आई एम श्योर कि मैं जैसे ही उनसे मिलता हूँ, मैं ओवी के केस के बारे में उनसे डिस्कस करता हूँ। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर निकल आएगा।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना सब कुछ ठीक होगा। अच्छा डीके सर भी यही, एक मिनट उनसे बात कर लो। हाँ जो मैम, मुझे मुझे डॉक्टर ऑनर का पता चल गया। मैं जैसे ही उनसे मिलता हूँ, मैं ओवी के केस के बारे में डिस्कस करके जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है मैं आप सबको बताता हूँ। आप लोग ओवी का ख्याल रखिए प्लीज। ठीक, जो भी काम है उसे खत्म करके कल ही तुम मुंबई आ जाओ। जी दा, बाय।